सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युति संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं हिंदी विद्वानों द्वारा प्रदत्त साहित्य की परिभाषाएं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइसड़, वेदार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय। हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। हिंदी विद्वानों के अनुसार साहित्य शास्त्र विषयक लक्षण ग्रंथों की परंपरा आचार्य केशवदास से मानी जाती है। हिंदी साहित्य शास्त्र का आरंभ केशवदास से माना जाना चाहिए, लेकिन उनके अनेक शतक पूर्व ही आदिकाल में विविध काव्यांगों का गंभीर अध्ययन न सही, किंतु कवियों ने काव्य प्रयोजन, भाषा प्रयोग, काव्य हेतु एवं शास्त्रीय लक्षणों को अवश्य प्रस्तुत किया था। पहले कवि हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि दृष्टव्य उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च कुराणम च कथितम मया। इसमें ध्यान दें कि साहित्य के बारे में धर्म, राजनीति और नवरस का यहाँ उल्लेख किया गया है। नवरस और भाषा, छह भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो साहित्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके उपरांत भक्तिकाल के आरंभकर्ता या यूं कहें संत काव्य के शिरोमणि संत कबीर कहते हैं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अर्थात यहाँ गीत या काव्य अथवा साहित्य अपने एवं परमात्मा के परस्पर संवाद या विचार को प्रकट करने वाला है। भक्त सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में लिखा है कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्त यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित्त। इसमें शब्द अरु अर्थ, ये दोनों शब्द ये प्रकट करते हैं कि यह काव्य लक्षण लगभग संस्कृत के ही सारे आचार्यों का हिंदी में उल्था किया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने एक अन्य दोहे में ये दिखाने का प्रयास किया है कि काव्य का शरीर किस प्रकार होता है। शब्द जीवत ही अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चल बहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इस दोहे में वह प्रकट करते हैं कि साहित्य का जीवन या प्राण शब्द है, उसका मन अर्थ है तथा रस ये और सुयश इसका शरीर है, और वह छंद और अलंकार जैसे दो पैरों पर चलता है। इस प्रकार सूरदास की परिभाषा हमें दिखाई देती है। इसके उपरांत प्रसिद्ध राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस में लिखते हैं, कीरति भूति भणिति भल सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। अर्थात वही अच्छी कविता है, वही अच्छी कविता है, भली कविता है जो गंगा नदी के समान सबका हित करने वाली हो। यह भी संस्कृत के सहितो इस पद का ही एक प्रकार से अनुवाद दिखाई देता है। उसके उपरांत सही मायने में हिंदी में जो साहित्य चिंतन आरंभ हुआ उसके प्रथम आचार्य आचार्य केशवदास जो रीति काव्य के भी प्रतिष्ठापक कवि और आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ कवि प्रिया में काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबर्ण सुरस सुवृत्त भूषण बिनुन राजयी कविता वनिता मित्त। अर्थात यदि कविता अच्छे कवि द्वारा सृजित हो
उसके लक्षण भी अच्छे हों, उसमें अच्छे वर्णों का प्रयोग किया हो, उसमें अच्छे अच्छे नवरस हों जो अच्छे वृत्तों में छंदों में आबद्ध हो, फिर भी वह बिना अलंकारों के बिना भूषणों के सजती नहीं है। इस प्रकार यहाँ अलंकार संप्रदाय का समर्थन करने वाली व्याख्या या परिभाषा आचार्य केशवदास ने लिखी है। आचार्य केशवदास के बाद आचार्य चिंतामणि जी, आचार्य चिंतामणि लिखते हैं, बत कहाउ रसमय जुहे कवित्त कहावे सोई, अर्थात ऐसी बात जो रसमय है उसे ही कविता कहा जा सकता है। यह आचार्य विश्वनाथ की ही वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अनुवाद दिखाई देता है। उसी प्रकार वे आगे लिखते हैं, सगुण अलंकरण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कह सब कोई, अर्थात गुणों सहित अलंकारों सहित दोष रहित जो शब्द और अर्थ होते हैं उसे ही विद्वान लोग कविता कहते हैं। ये भी लगभग संस्कृत परिभाषा का ही अनुवाद दिखाई देता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद ने लिखा है, लोग लागे हैं कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, अर्थात लोग कहते हैं कि मैंने कविताएं बनाई हैं लेकिन मुझे तो मेरी कविताएं निर्माण करती हैं। इसका सही सही अर्थ यह होता है कि कवि कविता का निर्माण नहीं करता अपितु कविता द्वारा कवि का निर्माण होता है। यहाँ कविता के प्रति समर्पण भाव हमें नजर आता है। इसके उपरांत हम आधुनिक युग में देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की तीन प्रकार से परिभाषाएं गद्यात्मक की हैं, यानी गद्य में उन्होंने लिखा है, कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। उनकी दूसरी परिभाषा है, अंतःकरण की वृत्तियों का के चित्र का नाम कविता है। वे तीसरी भरी परिभाषा लिखते हैं, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक है, पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। देखिए इसमें पद्य और गद्यात्मक यानी जो मूल रूप में संस्कृत में काव्य कहा जाता था उसके अंतर्गत ही पद्य गद्य सारी विधाएं आती थी, तो यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ओर से इस प्रकार की तीन परिभाषाएं की हैं। उसके उपरांत हम नवे विद्वान के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य में लिखते हैं, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। ध्यान रहे यहाँ जीवन और जगत इन शब्दों का प्रयोग पहली बार हुआ है। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी व्याख्या करते समय कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रसिद्ध छायावादी कवि और यहाँ दसवें विद्वान महाकवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, निबंध कलात्मक निबंध नामक पुस्तक में लिखते हैं, काव्य कला और अन्य निबंध इस पुस्तक में लिखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। इसके उपरांत हम दूसरे छायावादी कवि और आलोचक और 11वें विद्वान हमारे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, हृदय की मुक्तावस्था ही कविता है। इसके उपरांत एक अन्य छायावादी कवि एवं आलोचक सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, हमारे अर्थात कवियों के परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही कविता है। महेशी महादेवी वर्मा जो स्वयं एक कवयित्री हैं, छायावादी कवयित्री हैं,
जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, उन्होंने भी साहित्य की गद्यात्मक दो व्याख्याएं की हैं, परिभाषाएं की हैं, वो इस प्रकार से हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। दूसरी परिभाषा है, कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को बांधती है। प्रसिद्ध आलोचक बाबू गुलाब राय लिखते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भावना प्रधान किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रिया की कल्पना के ढांचे में ढली श्रेय का प्रिय रूप उद्घाटित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भी श्रेष्ठ आलोचक थे। उन्होंने साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, साहित्य जीवन की आलोचना है, इस दृष्टि से सत्य की खोज कीजिए। इसी सत्य असत्य का संग्राम साहित्य है। दर्शन और विज्ञान का उद्देश्य भी यही है, लेकिन वह बुद्धि के रास्ते वहां तक पहुंचना चाहता है, परंतु साहित्य भावना के रास्ते। प्रसिद्ध आलोचक उपन्यासकार एवं विद्वान आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, साहित्य वह है जो मानव को उदात्त बनाता है, उसे पशुत्व से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर अग्रसर करता है, उसे सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने भी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। यह उनकी रसवादी व्याख्या, रसवादी परिभाषा कही जा सकती है। सरस शब्दार्थ का नाम ही साहित्य या काव्य है। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि एवं आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध जी साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, मानव का मानसिक परिष्कार एवं समाज का सांस्कृतिक परिष्कार ही साहित्य है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि हिंदी के सुप्रसिद्ध समकालीन कवि सुदामा पांडे धूमिल जी ने भी साहित्य की परिभाषा काव्य में करने का प्रयास किया है। देखिए, हम उस परिभाषा को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या वह व्यक्तित्व बनाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। आचार्य श्याम सुंदर दास जैसे आलोचकों ने भी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। वे लिखते हैं, काव्य वह है जो अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य विद्यानिवास मिश्र साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, साहित्य जीवन की व्याख्या नहीं है, अपितु जीवन का एक समांतर जीवन है। विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, साहित्य हृदय के रस में पगी हुई जीवन की आलोचना है। एक अन्य परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं, साहित्य भाव के साथ भाव का मिलन है, यही नहीं वरन यह बतलाना है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, दूर के साथ निकट का मिलन है। सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने वेदालंकार जी अपने ग्रंथ साहित्य शास्त्र में साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कलानुभव
साहित्य है। साहित्य पहले कलानुभव और भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है, बाद में विचार या कुछ और। भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कलानुभव साहित्य है। साहित्य पहले कलानुभव और भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है और बाद में विचार या कुछ और। एक अन्य परिभाषा देखते हुए लिखते हैं, शब्दों के माध्यम से संस्कार क्षम अंतःकरण की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। शब्दों के माध्यम से संस्कार क्षम अंतःकरण की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। इस प्रकार हमने देखा कि लगभग 23 विद्वानों के द्वारा, हिंदी आलोचकों के द्वारा, हिंदी कवियों के द्वारा साहित्य या काव्य की अलग अलग परिभाषाएं करने का प्रयास किया गया है। इनमें से मेरे विचार में डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने वेदालंकार जी की परिभाषा सर्वोत्तम है। अन्य भी ठीक ठाक हैं, किंतु उस दृष्टि से, कलात्मक आनंद की दृष्टि से यह परिभाषा सर्वोत्तम है। आप सभी के लिए पुनश्च मैं धन्यवाद करता हूं और यह भी विनती करता हूं आपसे कि हमारे इस YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, साझा कीजिए और बेल आइकन दबा करके इसे, इसकी सदस्यता लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, संसूचना आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय हिंदी जय नागरी, सभी को पुनश्च धन्यवाद।